राइज एंड शाइन क्लास टेंथ के बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं आपकी फिजिक्स एस चांत बुक का चैप्टर नंबर सिक्स द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड इस वीडियो में बच्चों मैं आपके क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू से लेके फिफ्टी टू तक बच्चों अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें साथ ही जो रेड कलर का बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूलें जिससे कि आपको मेरे अपकमिंग विडियोज के बारे में टाइम टू टाइम पता चलता रहे साथ ही बच्चों अगर आपके पास एस चांद और एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक इनको चेकआउट कर सकते हैं और घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं अपने लिए एस चांद और एनसीईआरटी की बुक चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू से स्टार्ट करेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग जरा आई क्योंकि ये जो चैप्टर है वो है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड उसमें जो मोस्टली जो एमसीक्यूज है वो आई को लेकर है तो यहाँ पर हम पहले आई के पार्ट्स को देख लेते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ आईज के पार्ट्स हमको दे रखे हैं जैसे इरीज है कॉर्निया है प्यपल है है ना और एक्वस ह्यूमर है बिटरस ह्यूमर है ब्लाइंड स्पॉट है ऑप्टिक नर्व है रेटिना है सिलेरी मसल्स इनके क्या क्या काम है अगर मैं इरीज के बारे में बात करती हूँ तो ये इरीज का काम होता है कि इरीज जो कंट्रोल करता है कि कितना अमाउंट का लाइट हमारी आई के अंदर एंटर करेगा और ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है साइज ऑफ द पीपल को जैसे कि आप यहाँ पे पीपल देख पा रहे हो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है साइज ऑफ पीपल को अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिसीव बाई दी आई उसके बाद मैंने यहाँ पे पीपल के बारे में बात कर रहा था इरीज को लेकर कि इरीज क्या पीपल क्या करता है इट लेट light into your eye as the muscle of your iris change shape तो ये जो pupil है ये light को आपकी आंखों के अंदर तक आने देता है जैसे iris shape change करता है according to intensity of light उसके बाद हम बात करेंगे cornea के बारे में ये क्या होता है ये transparent part होता है eye का it cover iris and the pupil and allow light to enter the inside the eyes ठीक है उसके बाद ये रेटिना है रेटिना वो जगह है जहां पर की आपके जो भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बन रहा है तो रेटिना इज अ लेयर ऑफ द फोटो रिसिप्टर सेल्स रॉड्स एंड कॉन्स एंड

तो ये जो, आपको सर्कुलर दिखाई दे रहा है, जो आई का शेप ये ब्यूटेरस ह्यूमर ही है जो इसके राउंड शेप को मेंटेन करता है चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू से द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज तो जो ह्यूमन आई है जो इमेज बना रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो आई के किस पार्ट पर यहाँ पर बनाता है तो देखिए जो ह्यूमन आई है जो कि इमेज बना रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो बनाता है रेटिना पर तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना डी ऑप्शन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू फोर्टी टू है द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई इज कॉज्ड बाई देखिए जो फोकल लेंथ है वो एक्चुअली क्या है कि जितने अगर ज्यादा लाइट आ रही है जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है द दैन द आउटसाइड लाइट इज ब्राइट जब लाइट ज्यादा आ रही है तो ये जो पीपल है ये इसका साइज स्मॉल हो जाता है जो कि इरीज करता है और अगर लाइट कम आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर जाए इसके लिए जो पीपल का साइज है वो लार्ज हो जाता है और वो इरीज के थ्रू होता है तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया है द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई इज कॉज बाय द एक्शन ऑफ तो फोकल लेंथ आई की जो चेंज हो रही है वो किसकी वजह से यहां पर हो रही है तो दिस इज जस्ट हैं जो कि फोकल लेंथ को चेंज करते हैं फिर आता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट मतलब कि हम कितने पास की चीज देख सकते हैं उससे पास अगर हम लेकर आते किसी भी ऑब्जेक्ट को तो हम नहीं देख सकते हैं यंग एडल्ट के बारे में पूछा है तो वो होती है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर सो जो लीस्ट डिस्टेंस होती है विजन के लिए वो होती ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर इन एडल्ट एंड इवन इन किड्स और तो, किसी किसी में ये वेरी करता है फाइव टू एट सेंटीमीटर लेकिन आपको ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ही इसका आंसर देना है तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव के बारे में बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन दी आई अकर अकार जो रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का वो कहा हो रहा है ये पूछा गया है इसमें तो देखिए जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन द द आई एट बोथ कॉर्निया कॉर्निया एंड लेंस ठीक है है पर भी होता है, और लेंस पर भी होता है जो लेंस है उधर और कॉर्निया पर तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही आएगा फोर्टी फाइव का कि इट इज ऑन बोथ कॉर्निया एंड द लेंस अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स ये क्वेश्चन कहता है टू फोकस द इमेज ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन रोटीना ऑफ एन आई तो जो फोकस हो रहा है इमेज का कोई भी अगर नियर बाई ऑब्जेक्ट है कोई पास में ऑब्जेक्ट रखा है तो फोकस ऑफ द इमेज ऑन द डेटिना ऑफ एन आई तो वो किधर हो रहा है ये पूछा गया है यहाँ पर सो दो आई लेंस इज लेंसेज मस्कुलर लेंस हम जैसे जानते हैं कि आई का जो लेंस है वो अपना शेप चेंज करता रहता है ज्यादा रोशनी आती है तो छोटा हो जाता है कम रोशनी आती है तो बड़ा हो जाता है मस्कुलर है दैट कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ इमेज

As applied to eye, to ability of. Accommodation का क्या मतलब है यहाँ पर तो देखिए जो term accommodation है accommodation है उसका मतलब है ऑन द retina. तो जो, जो एडजस्ट करता है फोकल लेंथ को क्या करता है एडजस्ट करता है तो इसका कंट्रोल द लाइट इंटेंसिटी नो erect the द no. image इमेज का सीधी करता है उल्टी इमेज को नो no. फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यस तो फोर्टी सेवन का यहाँ पे सी वाला ठीक होने वाला है फोर्टी एट है विच ऑफ दंट्रोल्ट आई कि इसमें से क्या कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट आग के अंदर जानी चाहिए और कितनी नहीं तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सिलियरी मसल है वो शेप को चेंज करते हैं लेंस के थ्रू एंटर होती है लाइट इरीज है वो करता है कंट्रोल की कि कितनी लाइट अंदर जाएगी

इस वीडियो के बाद आप पार्ट टू पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर भी देखेंगे इसी चैप्टर का मेरे चैनल पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर है द आई पावर ऑफ एकोमोडेशन कि ह्यूमन आई के पास फोकल लेंथ को चेंज करने का पावर होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है दिस इज पावर टू तो इसका क्या मतलब है तो देखिए यहाँ पर ऑल्टर द डायमी ऑफ पीपल एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंजेस डिस्टिंग लाइट डिफरेंट कलर फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस यस अगर पास में आएगा तो उस पर फोकस कैसे करना है दूर का ऑब्जेक्ट है तो कैसे फोकस करना है तो ये फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेज यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी के बारे में बात करते हैं हाउ डज द आई कलर चेंज इन ऑर्डर टू फोकस ऑन नियर और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पास में है या दूर है तो जो आई है वो चेंज होती है जो फोकस है आई का वो कैसे चेंज होता है उट लेंस तो अंदर बाहर नहीं जाता है द रेटिना मूव इन आउट नो देंसर थी पर फिफ्टी का सही होगा सी जब दूर से चीज आ रही है तो स्ट्रेच हो जाता है तो क्या होता है थिक हो जाता है तो यहाँ पर आएगा वन तो के बारे में बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर वेन यू वॉक आउट्राइट सनशाइन इन टू अट रूम आप एकदम धूप से आ रहे हो और अचानक अंधेरे कमरे में आ रहे हो या फिर थोड़ी कम लाइट जल रही है तो आपकी आंखें बोलते हैं ना कि हमारी आंखें आंखे सी गई हैं मतलब एकदम से हमको कुछ नजर नहीं आता है ऐसा क्यों होता है देखिये तो बाहर से आ रहे हैं और काफी ज्यादा रोशनी है तो हमारा लेंस छोटा हो जाता है और अंदर आते कम रोशनी है तो बड़ा हो जाता है तो इस एडजस्टमेंट में टाइम लगता है तो देखिये यहाँ पर ए दे रखा है आपको द प्यूपल बिकम द प्यूपल बिकम लार्जर क्या प्यूपल बड़ा हो जाता है सेकेंड दे रखा है द लेंस बिकम थिनर द द द मसल रिलैक्सेस बिकम बिकम स्मॉलर लार्जर क्योंकि बाहर छोटा है और अंदर आकर वो पीपल एस की हेल्थ से बड़ा हो जाता है तो फिफ्टी वन का ए वाला ऑप्शन ठीक आएगा सो इन द ब्राइट लाइट द साइज ऑफ पीपल ऑफ आर आईज स्मॉल व्हेन वी एंटर इन द डार्क रूम ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ पीपल वेरी लाइट लिटिल लाइट एंटर्स आर लेंस बट आफ्टर सम टाइम द पीपल एंड वी आर एबल टू सी थिंग्स क्लियरली ओके सो फिफ्टी टू वाला है यहाँ पर द द साइज ऑफ पीपल ऑफ द आई इज एडजस्टेड बाय जो पीपल का साइज है वो उसको कौन एडजस्ट करता है हम स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में भी बता चुके थे कि इरीज उसको एडजस्ट करता है बच्चों वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें चैनल तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा प्रॉब्लम्स को आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं बाय बाय एवरी वन